नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित की हत्या का लिया बदला, शोपियां मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। डोगरी मान्यता दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया डुग्गर दा मान, सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेने की गई अपील। और चिनाव नदी में गिरी कार, 3 लोगों की मौत की आशंका, पुलिस SDRF की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इस मौके पर अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश भर से फेंसर्स पहुंचे और इसमें अपनी कला का प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हो रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि यहाँ पर खेलों को बढ़ावा मिले और ज्यादा से ज्यादा युवा इसमें भाग लें। फ्यूचरिस्टिक करियर लेकर एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें युवाओं के सामने सिर्फ सीखने की चुनौती नहीं है, बल्कि उससे बड़ी चुनौती है कैसे सीखें। आज ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताब विद्यार्थी याद कर ले, उसके पास कंटेंट का बड़ा भारी खजाना हो। आज जरूरत इस बात की है कि किस तरह से एक नौजवान या विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, किस प्रकार समाज की समस्याओं का समाधान करता है, वह क्रिएटिव और मल्टी डिसिप्लिनरी है, ऐसी व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर बल दिया गया है कि करिकुलम होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस करे, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज तथा स्पोर्ट्स मिलकर मटेरियल और ह्यूमन इफिशियंसी को प्रमोट करने का प्रयास करें। अभी हमें डॉक्टर उमेश राय जी बता रहे थे, प्रोफेसर उमेश राय जी, कि अपने विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था इन्होंने की है कि जो खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेगा उसी अनुपात में उसे अंक भी दिए जाएंगे। और ये हर विश्वविद्यालय में व्यवस्था है। इसके लिए डॉक्टर उमेश राय जी को, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी इनकी टीम, हृदय से बधाई देना चाहूँगा। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में मात्र कोर्स का हिस्सा न हो, बल्कि वो सोशल इंटरप्राइज हो, जिसका लाभ विद्यार्थियों के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को भी मिले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में युवाओं को खेलने का अवसर देकर हम अधिक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया। मुठभेड़ मुंज मार्ग इलाके में हुई। ADGP कश्मीर ने बताया कि मारे गए 3 स्थानीय आतंकवादियों में से 2 की पहचान हो गई है, जबकि 3 की पहचान की प्रक्रिया जारी है। इनमें से एक शोपियां का लतीफ लोन है, जो एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था, और दूसरा अनंतनाग का उमर नज़ीर है, नेपाल के तिल बहादुर थापा की हत्या में शामिल था। इनके पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की गई। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों की टीम को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। डोगरी मान्यता दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा डुग्गर दा मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बात की जानकारी आज युवा मोर्चा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दी गई। इस मौके पर बोलते हुए युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने कहा कि डोगरी को बढ़ावा देने और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। उन्होंने सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर सह परिवार भाग लेने की अपील की। सोमवार को पूरे इस डुग्गर प्रदेश और पूरे जम्मू खित्ते के अंदर मनाया जाता है। 2002 के बीच में जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी, उस समय
डोगरी को आठवें शेड्यूल में लाकर के हम सबका मान सम्मान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया था, उस दिन को डोगरी मान्यता दिवस, डोगरी मान्यता ध्याड़े दे रूप दे उपर पूरे प्रदेश च मनाया जाता है। इस बार 22 दिसंबर को हम सभी ऐसे नौजवानों को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हम सब का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन ऐसे ऐसे 75 नौजवान उनको चिन्हित करके हम लोग, चाहे वो कला के जगत में हो, चाहे वो खेल के जगत में हो, चाहे वो इनोवेटिव कोई काम करके हो या यंग एंटरप्रेन्योर हो, जिन्होंने यहाँ के लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम 22 दिसंबर 2 बजे बाहू प्लाजा के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा मनाने जा रहा है। और सभी जम्मू संभाग के जिला डोडा के गड़सू इलाके में मंगलवार तड़के एक कार के चिनाब नदी में गिरने से हादसे में 3 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस, SDRF और स्थानीय लोग मौके पर हैं, बचाव कार्य जारी। जानकारी के अनुसार डोडा किश्तवाड़ मार्ग पर गड़सू क्षेत्र के पास एक कार अनियंत्रित होकर चिनाब नदी में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंची। अधिकारी ने बताया कि कार में सवार कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जम्मू में चल रहे स्मार्ट सिटी के तहत बाजार में बन रहे फुटपाथ को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोगों ने कहा कि आज मेयर ने उनके साथ बैठक करने आना था और उन्होंने मेयर को स्थिति का जायजा लेने के लिए बुलाया था, पर मेयर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में और ज्यादा रोष देखने को मिला। लोगों ने कहा कि वो पिछले काफी समय से इस फुटपाथ का विरोध जता रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। मेयर साहब से कोई कॉल पे बात हुई कि उनकी वजह से नहीं ना लेगी? जिन्होंने कांटेक्ट किया 10:45 के लगभग कॉल हुई, उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फोन जो है वो उठना बंद हो गया, उसके बाद फोन आउट ऑफ रीच हो गया। अब आई डोंट नो, मतलब ये हमारी इस टाइम पे कंट्री से स्टेट और स्टेट से यूटी होते होते हुए हमारी प्रमोशन हो रही है, कोई बात नहीं। वो मतलब उनको हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो, हम लोग जरूरी ना हो। आतंकवाद की जड़ों पर एक और वार करने की तैयारी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके गुर्गों के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लिक्विड एक्सप्लोजिव डिटेक्टर खरीदने का फैसला किया है। ये अपनी तरह का पहली खरीद होगी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी संगठनों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों को विफल किया जा सकेगा। आतंकवादी संगठन तेजी से जिलेटिन जैसे तरल विस्फोटक का इस्तेमाल कर रहा है। इस समय फिलहाल कहीं पर भी कोई संदिग्ध तरल विस्फोटक का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यदि कहीं पर ये मिले तो उसे बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया जाता है, लेकिन अब कहीं पर ऐसा कोई संदिग्ध विस्फोटक मिलेगा तो उसके लिए एक मशीन होगी। प्रदेश के जलशक्ति विभाग के 31,000 अस्थायी कर्मी हर रोज हड़ताल पर हैं, इससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को जलशक्ति विभाग के 500 स्थायी कर्मचारी भी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। मौजूदा समय में जलशक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी जून माह से हड़ताल पर हैं, वह नियमितीकरण, वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। PHE एम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट के पदाधिकारी रवि हंस ने बताया कि कर्मचारी 19 जून से हड़ताल पर हैं और 180 दिन हड़ताल के हो गए हैं। अभी तक रिकॉर्ड डिवकॉम कार्यालय में जमा नहीं हो पाया है। वहीं मंगलवार को जलशक्ति विभाग के स्थायी 500 कर्मचारी भी हड़ताल में भाग लेंगे। पदाधिकारी सुभाष करतारचंद राजेश जम्वाल का कहना है कि अभी तक विभागीय पदोन्नति कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, 3 माह से इस मसले पर टाल मटोल किया जा रहा है। मिशन 50+ को लक्ष्य में रखकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी भाजपा के शीर्ष राष्ट्रीय नेता आगामी दिनों जम्मू कश्मीर के प्रवास पर रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर का प्रवास प्रस्तावित है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष 10 और 11 जनवरी को जम्मू प्रवास कर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव दलीप सेकिया और तरुण चुग
24 और 25 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के प्रवास पर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का कहना है कि आगामी दिनों भाजपा के बड़े राष्ट्रीय नेता प्रदेश का दौरा करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर बनाई गई अवैध इमारतों और संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी संपत्तियां या तो सील की जा रही हैं या फिर कानूनी प्रावधानों के तहत गिराई जाएंगी। पिछले दिनों आतंकी नेगरू का मकान गिराए जाने के सवाल पर सिंह ने कहा कि कोई भी संस्थान या व्यक्ति दहशतगर्दी के साथ चलकर ज्यादा देर नहीं बच सकेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो बचे हैं उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। कठुआ में क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पहुंचे डीजीपी ने कहा कि दहशतगर्दी से जुड़ी संपत्तियों को सील करना या कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें ढहाने का अभियान चलाया जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी पर उन्होंने कहा, जैसे दहशतगर्दी ने 30 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बादी की राह पर पहुंचाया है, ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ रची जा रही नई साजिश है। युवाओं को नशे की लत लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ड्रग्स जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस की ओर से ये खेप पकड़ी गई है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, सारा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रात में पारे में गिरावट के साथ जम्मू शहर के आसपास के इलाकों में कोहरा बढ़ने लगा है। कोहरे से जहां ओस के कण गिर रहे हैं, वहीं बाहरी क्षेत्रों में विजिबिलिटी कम हो रही है। खासतौर पर तड़के और रात को कोहरा पड़ रहा है। आगामी दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी कोहरा बढ़ने के आसार हैं, जिससे सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ेगी। कश्मीर में शीतलहर के बीच रात में पारा गिरने का सिलसिला जारी है। कश्मीर के साथ जम्मू संभाग के अधिकांश इलाकों में रात्रि में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार मंगलवार को मौसम साफ है और मौसम विभाग की पूर्व अधिकारी यशपाल शर्मा ने बताया कि रात्रि में 5 से 7 डिग्री तापमान के पहुँचने पर कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है। प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययन कर रहे बच्चों को अब दूध, पनीर और अंडा भी मिलेगा। मौजूदा समय में दोपहर के भोजन में बच्चों को सिर्फ चावल और दाल ही मिल पाता है, अन्य खाद्य सामग्री नहीं मिलती। अब बच्चों को संतुलित भोजन देने की तैयारी इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कर रहा है। प्रदेश भर में 60,000 के करीब आंगनवाड़ी केंद्र हैं। बच्चों को हर रोज़ 1 गिलास दूध और 1 अंडा दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो शाकाहारी हैं, उन्हें डाइट में चावल के साथ पनीर मिलेगा। व्यवस्था अप्रैल माह से शुरू होगी। इसके लिए ICDS की ओर से ज़रूरी कार्यवाही को पूरा किया जा रहा है। ICDS के सूत्रों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में अध्ययन करने वाले बच्चे गरीब घरों से हैं, ऐसे में उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। बच्चे जैसे तैसे बड़े हो रहे हैं तो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। संतुलित भोजन मिलने से बच्चे बीमारियों की चपेट में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2021-22 में सिर्फ 376.76 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो बीते 5 वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में कम निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में प्रताप चंद्र सारंगी, डॉक्टर रमापति राजा त्रिपाठी और ब्रिजभूषण शरण सिंह के गैर तारांकित प्रश्न के जवाब में दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक बीते 5 वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में सबसे कम 296.94 करोड़ रुपए का निवेश वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 में 412.74 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। 5 अगस्त 2019 से पूर्व के एकीकृत जम्मू व कश्मीर राज्यों, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, में वर्ष 2018-19 के दौरान 590.97 करोड़ का निवेश हुआ। उस समय जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में PDP भाजपा गठबंधन सरकार सत्ता में थी। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज
ए स्कैन बायोमेट्री पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस गांधीनगर, जेम ऑप्टिशियंस नई बस्ती, जेम ऑप्टिशियंस अम्फल्ला, जेम ऑप्टिशियंस त्रिकुटा नगर।